डूबे नरसमुंदा कोलियरी से पानी निकलवाने और जल्द उत्पादन शुरू करने की मांग पर सोदपुर एरिया बचाव कमेटी चरणबद्ध आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। इस रणनीति को श्रमिकों के बीच पहुंचाने के लिए सोमवार को नरसमुंदा कोलियरी परिसर में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सुदर्शन प्रसाद, अनिल सिंह, विजय मंडल, पजाय मसीह, वाई एस त्रिपाठी, विनोद सिंह, दयाचंद नोनिया, भीम नोनिया, राम आशीष चौधरी, पथिक बैनर्जी, विजय मंडल, मुन्ना साव, पवित्र बावरी, नुनूलाल साव, मुद्रिका सिंह, कुलदीप महतो, इंद्रासन मिश्रा आदि उपस्थित थे। इस मौके पर एटक नेता अनिल सिंह ने कहा कि एरिया प्रबंधन कमेटी आश्वासन दे रहा है, लेकिन पानी निकालने और उत्पादन शुरू करने की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए हम लोग 15 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। 15 सितंबर को सोदपुर एरिया महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा जाएगा, 20 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग 24 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इसके लिए सभी श्रमिकों को इस आंदोलन में शामिल होना होगा, तभी हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। बात होता है कुछ और एक भी जो यूनियन बोलता है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। तो एक साथ लेके चलना है तो सोदपुर बचाओ कमेटी बनाओ और उसमें सभी यूनियन को साथ लेके चलो। मैनेजमेंट भी हम लोग को नाप रहा था, अभी तक हम लोग भी मैनेजमेंट को देख रहे थे जो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अरे इसको पंप लगाना रहता था क्या? सोदपुर एरिया में हाई टेंशन पंप और मोटर ही नहीं है, इतना कंगाल हो गया। इसलिए सब है लेकिन इनका 18 जून के बाद से जब उनसे पूछा जाना था तो पता चलता था कि मेजर समुंदर कलेरी में है, क्या कर रहे हैं तो वो बचाने के लिए काम कर रहे हैं, बचाते बचाते चले गए मदाई पर चले गए। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली देन वेलकम टू द पेपरी। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी एट होम। दी पेपरी, ग्राउंड फ्लोर ऑफ सेंट्रल मॉल, ऑपोजिट बिग बाजार, आसनसोल।